हेलो दोस्तों, पैरारॉक्स BACB ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वृत्त और वृत्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन 2011 से लेकर 2020 तक पूछे गए हैं, उन सभी के ऑब्जेक्टिव का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। देखिए क्वेश्चन नंबर एक में क्या है, सबसे पहले वृत्त से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनाना है तो उसके लिए दो चीज़ आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? एक आपको कि वृत्त की परिधि क्या होगा, तो वृत्त की परिधि 2πr, और दूसरा आपको याद होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr2। उसी से सारे क्वेश्चन इससे संबंधित जितने भी होंगे सभी बनेंगे। देखिए तो आइए चलते हैं एक-एक करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है यहाँ कि 38.5 cm² क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। क्या पूछ दिया? त्रिज्या क्या है? तो यहाँ से क्या करना है, देखिए जो ये वृत्त की त्रिज्या के लिए हमको कहा तो ये क्या दे रहा है, क्षेत्रफल दे रहा है। तो एक तरफ आप क्षेत्रफल के फॉर्मूले रखिए और दूसरे तरफ ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उसको रख दीजिए और उससे ही आपको निकलेगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr², और एक तरफ इस अंक को रखिए तो 38.5, ठीक है। अब यहाँ से आपको r का मान चाहिए, पाई को इधर से उधर ले जाइए, तो ये हो गया r² इक्वल टू 38.5 बटा पाई को इधर से इधर ले आए हैं तो गुना में है, तो क्या चीज़ में चला गया, भाग में चला गया। यहाँ से देखिए ये तो 38.5 रहेगा ही और बटा ये क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। यहाँ से या आप देखिए r² बराबर 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, तो 38.5 × 7 और बटा कितना, 22। 7 से इसमें गुना कीजिए और 22 से इसमें क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। तो गुना करते हैं हम लोग, तो 7 × 35 = 5 = 3, 8 × 7 = 56 और 3 = 59 = 5, 7 × 21 = 5 = 26 और दशमलव भी यहाँ पर रहेगा और ये 22। इसको अगर भाग देंगे हम लोग तो ये आएगा 12.25, कितना आ जाएगा, 12.25 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास r² बराबर तो हो गया 12.25, हमको त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या को r से सूचित करते हैं तो r बराबर क्या हो जाएगा, इस रूट अंडर में चला जाएगा, तो 12.25। अब 12.25 ये किसका वर्गमूल होता है, तो इसका वर्गमूल जो है वो 3.5 होता है। तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि जो इसका त्रिज्या होगा वह क्या होगा, 3.5 होगा। तो इसका आंसर सही क्या हुआ, बी नंबर इसका ऑप्शन सही है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अंक चेंज किया जाएगा, क्या किया जाएगा, अंक चेंज किया जाएगा, बाद बाकी सब चीज़ सेम ही रहेगा, तो आपको अंक चेंज करके वहाँ पे बना लेना है। और यह क्वेश्चन 2020 के सेकेंड सिटिंग में क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है। आइए अब लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 72 cm है तो इसकी त्रिज्या क्या है। अब ये भी क्वेश्चन देखिए 2019 के सेकेंड सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो अर्धवृत्त यहाँ पे करा है तो आप पूरा वृत्त के परिधि तो जानते हैं और उसमें 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त के परिधि पता चल जाएगा। तो पूर्ण वृत्त की परिधि 2πr, तो आधा वृत्त के परिधि निकालने के लिए तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, भाग दिए था तो अर्धवृत्त की परिधि हमको पता चल गया कितना कि πr है और परिधि यहाँ दिया हुआ है कितना 72, तो इधर लिख दीजिए 72। अब r चाहिए तो पाई को उधर से इधर से उधर ले जाइए तो r बराबर क्या हो गया 72 और ये क्या हो गया पाई हो गया। यहाँ से देखिए ये 72 और पाई के जगह क्या रखना है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 72 × 7 और बटा कितना 22। इस दोनों को क्या कीजिए, गुना कीजिए तो 7 × 14 = 4 और 7 × 7 = 49 और 1 = 50। देखिए 7 × 14 = 4 और 7 × 7 = 49 है कितना 50। इसको भाग देना है कितना से, 22 से, दीजिए भाग 22 से तो 22 × 7 = 44, 22 × 7 = 44 और यहाँ पे बच कितना गया 6 × 6 = 4 = 64, 64 तो 64 है तो फिर ये 22 × 44 ही लगेगा, ठीक है। क्या चीज़, 22 ×
44। अब हमारे पास दशमलव आएगा, क्या चीज़, दशमलव आएगा, ठीक है। और बचा हुआ कितना है, तो बचा हुआ हमारे पास है यहाँ पे 44 लगा दिए तो 6 इधर 10 उधर, ठीक है, 16 और 4 उधर में 64 ही है हमारे पास, तो 16 4 कितना 20 बचा हुआ है, थोड़ा सा कम है, तो इसको कह सकते हैं हम 9, क्योंकि अगर 22 होता तो एक बार में ये लग जाता और ये 23 हो जाता। तो या आपको अगर इसको बेहतर तरीके से देखना है तो आप इसको क्या कीजिए, काट दीजिए ये 11 बार में, 2 बार में, उस तरीके से ही बना सकते हैं। अगर 22.9 आया तो इसमें तो कौन ऑप्शन हो सकता है, ई वाला या ई वाला या ई वाला, तो आपका आंसर होगा कौन, 23 होगा, क्योंकि ये 23 के काफ़ी करीब है, तो इसीलिए आपका आंसर कौन हुआ, ए नहीं, ई भी नहीं, ई भी नहीं, आपका आंसर कौन, बी सही है, कौन चीज़, 23, क्योंकि जो हमारे पास ऑप्शन आएगा उसके आसपास ही हमको देखना है, तो जो आंसर आ गया इतना 22.9 मतलब 23, तो 23 हमारा क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा, लगभग लगभग ये लगभग वैल्यू है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ और उसको बनाते हैं। देखिए, दो वृत्तों के क्षेत्र का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, तो पहले क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल आप लिख लीजिए, तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन दो वृत्त है तो अलग अलग, त्रिज्या होगा तो आर वन के स्क्वायर बटा पाई आर टू के स्क्वायर, यानी दूसरा भी वृत्त है तो इसका त्रिज्या दूसरा हो गया, आर टू हो गया, और ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 4:1, तो यानी 4/1। अब देखिए यहाँ पर तो त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा था, पाई से पाई कट जाएगा, आ इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं आर वन बटा आर टू के क्या चीज़ होल स्क्वायर, तो ये 4/1 हो गया, आ इधर स्क्वायर है तो उधर रूट में चला जाएगा, तो देखिए यहाँ से आर वन बटा आर टू इक्वल टू रूट अंडर 4/ कितना 1, आ इसी को कह सकते हैं रूट 4/√1, आ रूट 4 मतलब कितना 2, आ रूट 1 का मतलब कितना 2, सॉरी रूट 1 का मतलब कितना 1, तो इसी ये 2/1 आया, इसी को तो हम कहते हैं 2:1, जो त्रिज्या है आर वन आर टू, ठीक है, तो आर वन रेशियो आर टू, यानी आर वन अनुपात आर टू कितना आ गया हमको 2:1 आ गया, तो यहाँ पर बी नंबर में दिया हुआ है 2:1, इसका क्या हो गया, सही आंसर हुआ। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या क्या होगी, फिर सेम प्रकार का क्वेश्चन है, तो एक तरफ परिधि का फॉर्मूला और दूसरा तरफ इसको, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr है इक्वल टू कितना 462, सरल कीजिए इधर से इस सबको इधर भेज दीजिए, तो r बराबर कितना हो जाएगा 462/2 और पाई, अब क्या कीजिए पाई के जगह आपको क्या रखना है 22/7, तो 2×22/7, देखिए इससे ई वाला कटेगा, 2 से कितना बार में कटेगा, तो देखिए ये 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में, और 7 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से देखिए ये हो गया 231×7, और नीचे में कितना बच गया 22, 231 को पहले 7 से आप क्या कीजिए गुना कर दीजिए, तो 7×7 7 3 21 के 1, और 7×2 14, और 2 कितना 16, बटा में कितना आ गया 22 आ गया, ठीक है, गुना एक बार देख लीजिए 7×7 7 3 21 के 1, और 7×2 14 और 2 16, अब इसको 22 से भाग देना है, तो भाग देना है तो 22×7 154 हुआ, 22×7 154, और इसमें बच कितना गया, तो इसमें आपको बच चुका है 6×1 7, ऊपर से 7 उतर गया, ठीक है, तो 7 उतर गया तो इतना से लगेगा नहीं, तो 22×66, ठीक है, और 66×10 77, ठीक है, यानी 10 बचा हुआ है हमारे पास। अब एक दशमलव लेंगे, क्या लेंगे दशमलव लेंगे, तो 100 हो गया, क्या 100 हो गया, तो हमारे पास कितना आएगा 100 हो गया, या सॉरी 11 बचा हुआ है, तो हमारे पास 110 हो गया, और 110 हो गया तो कितना बार में 5 बार में, 22×5 110, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं आराम से, गुना भाग करके, यहाँ तक इसका मेन है,
उसके बाद तो ये आपको भाग करना है, भाग दीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए नंबर में दिया हुआ है 73.5 कितना 5 सेंटीमीटर, तो 73.5 सेंटीमीटर आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो वृत्तों की परिधियाँ 2.3 के अनुपात में है। फिर देखिए यहाँ परिधियों के अनुपात दिया है, दो गो वृत्त के परिधि है, तो एक वृत्त के हम लिखेंगे R1 होगा रेडियस और दूसरा का क्या चीज़ R2, उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अब त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो पहले परिधियों का अनुपात दिया हुआ है, तो परिधि क्या होता है 2πr, तो आर न लिख हम क्या लिखेंगे R1, अनुपात मतलब बटा के चेन, और 2π क्या चीज़ R2, और ये बराबर में आपको दिया हुआ है कितना 2/3। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो R1/R2 बराबर कितना आया 2/3। तो इसी को हम कह सकते हैं R1/R2 और बराबर में कितना 2/3। तो कहीं इसमें 2/3 है, हाँ तो यहाँ पर 2/3 है, तो 2/3 हमारा इसका क्या हो गया आंसर हो गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। पहले कह रहा है कि वृत्त की क्या कर रहा है कि जो त्रिज्या है उसको आधा कर दिया जा रहा है, यानी पहले से है वो फूल है, क्या चीज़ पहले से है वो क्या है पूरा है इसका। तो देखिए नए वृत्त की परिधि, अच्छा एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे कह रहा पुराने तथा नए, तो पहले नया वाला के लिखेंगे, तो नए वृत्त की परिधि बाय यानी बटा पुराने वृत्त की परिधि बराबर, तो नया वृत्त की परिधि और पुराना वृत्त की परिधि, तो नया वृत्त के परिधि तो आपको हो जाएगा 2πr, परंतु क्या होगा इसको जानिए कि कहा है कि नया में क्या कर दिया गया है आधा कर दिया गया है, वृत्त के त्रिज्या को आधा कर गया है। ओ यहाँ पर दिया पुराने तथा नए, और यहाँ क्या लिखा गया नए पहले लिखा गया पुराने बाद में, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए था कि पहले लिखना चाहिए था पुराना वाला फिर लिखना चाहिए था नया वाला, बस हम इसको यहाँ से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं फिर से देखते हैं। देखिए तो पहले हमको लिखना चाहिए था इसमें क्या चीज़ पुराने वृत्त, तो यहाँ से लिखते हैं पुराने वृत्त की परिधि बटा नए वृत्त की परिधि, ठीक है, तब पुराने वृत्त की परिधि क्या होगा, तो जो इसका परिधि है वही हो जाएगा 2πr, परंतु नया वृत्त के परिधि क्या होगा, तो नया वृत्त की परिधि के लिए कहा है कि उसके त्रिज्या को क्या किया गया है आधा किया गया है, तो यहाँ से देखिए 2πr तो होगा ही, लेकिन इसका त्रिज्या में क्या हो जाएगा 2 से भाग भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला गया कि त्रिज्या को आधा कर दिया गया है, तो आधा कर दिए, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो इसके बराबर में आपके पास क्या बच गया आर आर और बटा कितना 2। यहाँ से देखिए हम इस 2 को उधर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, तो उधर ले जाएंगे तो 2 इस तरीके से हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसी को हम क्या कह लेंगे 2/1 कितना 1। तो इसमें यहाँ पे 2/1 यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर इसका ऑप्शन क्या हुआ सही हुआ 2/1, और ये 2014 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए उस समय कहा था आधी कर दी जाए बैक वाले क्वेश्चन में, अभी कहा 3 गुनी कर दी जाए, और यहाँ क्या कहा है नए एवं पुराने, इसमें यानी नया वाला ऊपर लिखेंगे, तो देखिए नए वृत्त की परिधि बटा पुराने वृत्त की परिधि, तो
नया वृत्त के परिधि और बटा पुराना वृत्त के परिधि, तो पुराना वाला के तो 2πr होता है जो आप जानते हैं, और नया में कितना किया है कि इसके त्रिज्या में 3 से गुना कर दिया है, ठीक है। तो नया वाला क्या होगा, 2π होगा, लेकिन r नहीं है, 3r होगा, क्योंकि त्रिज्या में 3 से गुना किया गया है। तो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया। और देखिए यहाँ पर आपको बच क्या गया कि r से r भी कट गया, तो बच गया कितना, 3/1, यानी 3 अनुपात कितना, 1। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो दोनों वृत्त की परिधि का अनुपात था वो 3:1 आ गया, जो बी नंबर ऑप्शन में है, और ये इसका ऑप्शन सही हुआ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सभी क्वेश्चन लगातार आप देख रहे हैं कि सभी एक ही तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपको 2014 के सेकेंड सिटिंग में पूछा जा चुका है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। क्या चीज, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की परिधिया, सेम क्वेश्चन, एक तरफ इसके परिधि का फॉर्मूला 2πr और एक तरफ इक्वल टू कितना 44, और इसके त्रिज्या को पूछ रहा है, यानी r का मान ज्ञात करना है। ये सब इधर भेज दीजिए तो 44/2 इधर आ जाएगा भाग में, और पाई भी इधर आ जाएगा भाग में। देखिए इससे ई वाला कितना बेर में, 22 बेर में कट गया, तो 22/2, इसको बोलते हैं 22/7 पाई को, ठीक है। अब इसमें 7 ऊपर चला जाएगा तो r बराबर क्या हो जाएगा, 22 × 7 और बटा कितना 22, 22 से 22 कट गया, आपके पास कितना बच गया, 7 बच गया। तो यहाँ पर 7 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, इसका त्रिज्या आ गया 7। और ये क्वेश्चन आपको 2013 में क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त का सूत्र है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, और 2011 में ये पूछा गया है। तो हम कई एक बार आपको याद करवाए हैं कि वृत्त के जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला या उसका सूत्र क्या होता है, तब पाई आर स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, ये इसका सी आंसर क्या है, सही है। अगर इसका परिधि पूछता यहाँ पे तो 2πr हो जाता, क्या हो जाता, 2πr हो जाता। तो इस तरीके से आज हम लोग क्या देखें कि 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वृत्त के, वृत्त से संबंधित, उन सभी को हमने यहाँ पर क्या किया, सरल किया। अब आप लोग का वर्क क्या है कि इसको आप लोग रिवीजन करें, ठीक है, अच्छे से इसको बनाएं, फार्मूला को पढ़े सभी को, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।